के नियम से आपको पता है कि आप बल निकालते हो और बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि के लिए आप यहाँ पे इसका सदिश निरूपण कर रहे हो। इस सदिश निरूपण से आपको पता चलेगा कि चार्ज जो है दूसरे को फोर्स करने लगा। इसके लिए मैंने दिया यहाँ पे एक निर्देश अंतर आपने माना है और ये कम बिंदु है। यहाँ पर एक बिंदु आवेश मान लेते हैं, यहाँ बिंदु आवेश मान लेते हैं, सदिश सदिश मान लेते हैं R वेक्टर, इसका मान लेते हैं R है। तो ये इनके सदिश सदिश हो गए। अब देखिए ये है इन दोनों के बीच में विस्थापन सदिश और विस्थापन सदिश के लिए अगर आप U1 से U2 तरफ जाएं तो इसे बोलेंगे आप R वेक्टर और U2 से U1 की तरफ आए तो बोला जाएगा R वन टू वन। इसी तरह से Q1 जो है वो Q2 पे बल लगा रहा है F21 वेक्टर और Q2 Q1 पे बल लगा रहा है F12 वेक्टर। अब ये जो विस्थापन सदिश है वैसे तो ये एक ही क्वांटिटी है पर दिशा अलग करने पर आपने इसका मार्जिन अलग लिया है, इधर वाला R खोल लिया है, नीचे वाला R खोल लिया है। तो आपने यहाँ कल्पना की माना कि कोई दो आवेश Q1 तथा किसी निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष फास वेक्टर तथा फास टू वेक्टर विस्थापन सदिश क्रमशः R21 वेक्टर जो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर तथा R12 वेक्टर जो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरण एक से आपने देखा कि R21 वेक्टर बराबर है माइनस R12 वेक्टर। इसको हमने देखा कि डिस्टेंस तो बराबर ही थी, सिर्फ दिशा में फर्क था इसका। अब देखिए Q1 आवेश के द्वारा आवेश Q2 पर लगाया गया बल और यहाँ पे बल का फॉर्मूला आपको पता है सबको गुलाम के नियम से कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आता है। तो यहाँ आप देखो इसके द्वारा इस पर बल जो F21 है वो निकाल रहे हैं तो F21 वेक्टर इक्वल टू आएगा R21 वेक्टर स्क्वायर और R21 वेक्टर। जब आपने यहाँ पे सदिश लगाया है तो यहाँ एक आम सदिश है और इसी प्रकार F12 वेक्टर बराबर आएगा K21 Q2 बटा R12 वेक्टर स्क्वायर और R12 चार। अब देखिए यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो एक तो
आ रहा है और एक इनके एकांश टिश्यू आ रहा है, तो समीकरण है दो से आपने ये लिखा कि आर वन टू वेक्टर का परिमाण बराबर है आर वन वेक्टर के परिमाण के। तो यहां से जब ये दोनों राशियां बराबर है तो सिर्फ दिशा का ही फर्क पड़ेगा, अतः एफ वन टू वेक्टर बराबर होगा माइनस एफ टू वन वेक्टर। अर्थात क्यू वन क्यू टू पे जो बल लगा रहा है उतना ही बल टू क्यू वन पे लगा रहा है और दोनों की दिशा में विपरीत आ रही है, अतः स्पष्ट होता है कि आवेशों के द्वारा लगाया गया बल परिमाण में समान है परंतु बल की दिशा विपरीत है और ये न्यूटन के तीसरे नियम की पालना भी यहाँ पे हो रही है कि जितनी यहाँ से यहाँ पर लगा उतनी मात्रा में विपरीत दिशा में बल लग गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी यहाँ पे कहते हैं। तो ये है गुलाम के नियम का सदिश नियम। तो यहाँ से आपने देखा कि जितना बल क्यू वन क्यू टू पे अप्लाई कर रहा है उतना ही परिमाण का बल क्यू वन पे अप्लाई कर रहा है। तो अगर आपको किसी प्रश्न में ये दिया हुआ हो कि क्यू वन क्यू टू पे बल कितना लगाएगा वो निकालिए तथा क्यू टू द्वारा क्यू वन पे बल निकालिए, दोनों बलों का मान हमेशा समान ही रहेगा। ये है गुलाम के नियम का सदिश नियम। और इस पॉइंट से आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स कर लेने हैं आपकी बुक में जो दिए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों आपका अगला पॉइंट है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो आपने इससे पहले वाले पॉइंट में देखा कि दो आवेश एक दूसरे पर बल कैसे लगाते हैं और उन बलों की दिशा परिमाण किस तरह से उनको प्रभावित करते हैं। आप देखेंगे कि यदि कोई निकाय ऐसा दिया हुआ हो जिसमें दो से ज्यादा आवेश आपके पास हो तो बल कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ एक निर्देश तंत्र मान लेते हैं और इस निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रहते हैं, इसे बोला जाता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के बारे में देखिए आपको पहले बताया परीक्षण आवेश सिर्फ परीक्षण लेने के काम आता है, ये किसी दूसरे आवेश को प्रभावित नहीं करता है, इसका उपयोग सिर्फ कैलकुलेशन में ही होता है। और यहाँ आपने एक आवेश मान लिया है क्यू वन, दूसरा लिया है क्यू टू और इसी तरह से आपने आवेश ले लिए हैं क्यू एन और इनका सदिश यहाँ से आ रहा है आर जीरो वन वेक्टर आर जीरो वेक्टर और सिमिलरली आर जीरो एम। तो ये निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश दिए गए हैं, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इन आवेशों के द्वारा जो बल लगेगा उस बल का परिमाण मान लेते हैं यहाँ एफ जीरो वन वेक्टर है, ये एफ जीरो टू वेक्टर है, इसी तरह से ये एफ जीरो एम वेक्टर। तो इन सभी के लिए अपन इसका रिजल्टेंट परिणामी बल निकालेंगे। तो आपने निकाय में लिया है माना कि कोई निकाय जिसमें क्यू वन घुमा क्यू टू क्यू एन आवेश तथा मूल बिंदु पर परीक्षण आवेश क्यू जीरो है, सभी आवेशों के स्थिति सदिश क्रमशः आर जीरो वन वेक्टर आर जीरो टू वेक्टर कैसे सदिश
और इसी प्रकार एफ जीरो टू वेक्टर आपके पास आएगा के जीरो टू आर जीरो टू वेक्टर स्क्वायर और आर जीरो टू कैप, और सिमिलरली एफ जीरो एन वेक्टर आपके पास आएगा के जीरो टू एन और आर जीरो एन वेक्टर स्क्वायर और आर जीरो एन कैप। अब परिणामी बल आपको निकालना है, परिणाम एफ का। तो देखिए बल एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि का अपन यहाँ पर सदिश योग कर रहे हैं, तो सभी बलों को सदिश योग कर रहे हैं यहाँ पर। एफ जीरो वन वेक्टर प्लस एफ जीरो टू वेक्टर और प्लस एस 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 एफ जीरो एन वेक्टर जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करेंगे के जीरो क्यू वन अपॉन आर जीरो वन वेक्टर स्क्वायर आर जीरो वन एफ जीरो टू की वैल्यू है के क्यू जीरो क्यू टू अपॉन आर जीरो टू वेक्टर स्क्वायर आर जीरो टू कैप और प्लस एस डैश जाएगा के क्यू जीरो क्यू एन अपॉन आर जीरो एन वेक्टर स्क्वायर आर जीरो एन कैप। सब में से देखिए के क्यू नॉट के क्यू नॉट और के क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, तो लिख लेंगे यहाँ पे के और क्यू नॉट तो कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपके पास में क्यू वन अपॉन आर जीरो वन वेक्टर स्क्वायर आर जीरो वन कैप प्लस क्यू टू अपॉन आर जीरो टू वेक्टर स्क्वायर आर जीरो टू कैप और प्लस एच एच क्यू एन अपॉन आर जीरो एन वेक्टर स्क्वायर और आर जीरो एन कैप। के की वैल्यू होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ लिखेंगे एफ वेक्टर को क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इनको समेशन करके लिखेंगे आर ए अपॉन वन टू एन क्यू आई अपॉन आर जीरो आई वेक्टर स्क्वायर आर जीरो आई। तो ये है बहुआवेशों के बीच लगने वाला बल, और आपने देखा कि परिणामी बल का मान सभी बलों के सदिश योग के बराबर आया। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से बहु आवेशों के मध्य लगने वाला परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसे आप कहेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत या बहु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। इस पॉइंट से आप अगर आपको कोई ऐसा निकाय दिया हुआ हो जिसमें दो से ज्यादा आवेश हो तो उनके बीच का परिणामी बल यहाँ से निकाल सकते हैं, और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं वो आप लोग अपने आप करें। अब देखिए एक क्वेश्चन है बहु आवेश आपको चतुर्भुज दिया हुआ है, फर्क दिया हुआ है ए बी सी डी और वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर क्यों आवेश और वर्ग की भुजा दे रखी है आपको ए, और आपको ये पूछा है कि वर्ग के किसी एक शीर्ष पर परिणामी बल का मान क्या होगा। तो देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपको पता है, और कोई भी एक शीर्ष ले लें जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सी वाला शीर्ष ले लिया और इस शीर्ष पर परिणामी बल आपको निकालना है। देखिए वो बल क्या है, तो एक बल तो लगेगा बी वाले पॉइंट से इधर की तरफ, इस बल को मानता हूँ मैं एफ, एक लगेगा डी से जो मानेंगे एफ डी, और एक बल लगेगा ए वाले शीर्ष से जिसको मान
खास आवेश में बीच की दूरी होती है, तो आपको दूरी ये वाली दी गई है, ये दी गई है, ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ अनुसार, त्रिभुज लिया है ए बी सी, एफ बी इक्वेशन नंबर मान लेंगे 4।
और cos 0 की वैल्यू होती है वन तो यहां f a b d बराबर रहेगा रूट में f a स्क्वायर प्लस f b d स्क्वायर प्लस 2 f a f b d सूत्र लगेगा देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर इसका हो जाएगा f a b d बराबर रूट ऑफ f a प्लस f b d होल स्क्वायर से रूट कैंसिल होके f a b d बराबर आएगा f a प्लस f b d f a की वैल्यू है आपके पास है k q स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस f b d की वैल्यू आपके पास आई है f b तो होगा k q स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस रूट 2 f b है k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर तो देखें यहां से बच्चों k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन लिया बचा रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 ये फाइनली f a b d जो वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर लगने वाला बल है तो इस तरह से आप बहुआवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालेंगे।